ओर से मंडी संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र जो है वो दर्ज किया है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, पार्टी अध्यक्ष, हमारे इंचार्ज और सभी वरिष्ठ नेता हमें अपना सहयोग देने के लिए यहाँ पे उपस्थित थे। और ये लड़ाई किसी पर्सनैलिटी के साथ नहीं है, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ। ये लड़ाई मंडी के अस्तित्व की है, मंडी को देश का नंबर वन संसदीय क्षेत्र बनाने की। बारी बारी ये सवाल पूछा जा रहा है कि प्रतिद्वंदी कौन है, क्या है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मेरी लड़ाई मंडी को मंडी के अंदर स्मार्ट सिटी बनाने की है, जिसके लिए हमने कार्य पहले ही शुरू कर दिया है। रिवर फ्रंट बनाने की है, यहाँ पे पार्किंग की बहुत दिक्कत है मंडी शहर के अंदर, उसको करने की आवश्यकता है। हमारे एक्स सर्विसमैन जो हमारे भारी तादाद में सरकाघाट के इलाके में रहते हैं, जोगिंदर नगर के इलाके में रहते हैं, उनके लिए वहाँ पे CSD डिपो बनाना है। उसके लिए बहुत मजबूती से मैं डिफेंस मिनिस्ट्री से इस विषय को उठाऊंगा। और वैसे ही हमारे जो है वहाँ पे सैनिक एकेडमी बन रही है, उसका निर्माण करवाना हमारी प्राथमिकता है। बुबू जो टनल जो हमारे जोगिंदर नगर को जो अपना लग वैली से जोड़ेगी, वो हमारी प्राथमिकता है। जलोड़ी जो टनल हमारी प्राथमिकता है, जो कुल्लू जिला के आनी और बंजार क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे ही आनी में हमारा जो है बागासरान इलाका है, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डेवलप करना हमारी प्राथमिकता है। तो मेरा फोकस अगले 15-20 दिन जब चुनाव का प्रचार चलेगा, उसमें केवल और पर अगर विकास के ऊपर उनकी जुबान जो है वो खुलती नहीं है। आज तक 20-25 दिन उनको चुनाव प्रचार में हो चुके हैं, आज तक एक शब्द उन्होंने अपने विजन के बारे में लोगों को कहा नहीं है कि करना क्या है। ठीक है, आप फिल्म स्टार है, आप जो भी है, मगर आप हमको सुबह से शाम तक मंचों के ऊपर गालियां देते रहती है। आप दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मगर कम से कम मंडी के लोगों को अपना विजन तो बताएं कि आप करना क्या चाहती हैं, मंडी के लिए आपका क्या सोच है, क्या विचारधारा है, क्या डेवलपमेंटल इश्यूज आप लाना चाहती है। एक शब्द उन्होंने उसके ऊपर नहीं बोला है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम विकास के मुद्दों पर लड़ाई लड़ेंगे, चाहे स्मार्ट सिटी का है, चाहे एक्सपेंशन का है, चाहे आपदा के समय में हम दिन रात लोगों के साथ खड़े रहे। 3500 करोड़ रुपए मैं केंद्र से हिमाचल के लिए लेकर आया। अभी आखिरी में कोड ऑफ कंडक्ट लगने से एक हफ्ता पहले अतिरिक्त नितिन गडकरी जी ने मेरे कहने पर 150 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को दिए, ऑन रिकॉर्ड दिए। तो हम राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं, वो केवल मनोरंजन की राजनीति करते हैं। और ये मनोरंजन की राजनीति के जो डायरेक्टर है माननीय आदरणीय सम्मानीय जयराम ठाकुर जी, जो इनकी पिक्चर चली हुई है, ये स्क्रिप्टेड पिक्चर है, और इसका जो है बॉक्स ऑफिस के ऊपर 4 जून को पिट जाना ये निर्णायक है, ये तय है। और बाहर